केके नगर से हुई लूट का खुलासा करते हुए मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया, साथ ही उनके कब्जे से 1,25,000 रुपए की नकदी व लूटा हुआ सामान भी बरामद किया है। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आगरा के थाना सिकंदरा के केके नगर में लूट का खुलासा कर दिया। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और एक बदमाश भागने में सफल रहा। बदमाश के कब्जे से नकदी, ATM, लैपटॉप व अन्य सामान भी बरामद किया है। घायल हुए बदमाश को पुलिस के द्वारा इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। 1,25,000 रुपए, एक घड़ी, ATM कार्ड, लैपटॉप, तमंचा, लूटी हुई पल्सर भी बदमाशों के कब्जे से बरामद की गई है। वहीं मुठभेड़ में भागने में सफल रहे बदमाश की तलाश में पुलिस जुट गई है। पुलिस का कहना है जल्द ही फरार बदमाश को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। सर, आज एक मुठभेड़ हुई है, क्या मामला है? देखिए, 24 मई को थाना सिकंदरा के केके नगर में एक रॉबरी की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना भी उसमें किया गया था। इसमें कुछ 7 लाख रुपए की रॉबरी और अन्य ज्वेलरी, ATM कार्ड, कुछ घड़ियां, लैपटॉप, इसमें रॉबरी होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसी में एक मुखबिर द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अपराधी जिसका नाम विपिन है, वो इस घटना में सम्मिलित है, उसके कुछ साथी, इसी के लिए पुलिस द्वारा लगातार घेराबंदी, नाकाबंदी की जा रही थी। सिकंदरा थाना क्षेत्र में आज एक बाइक को रोकने की कोशिश की और वो बाइक के द्वारा रोका नहीं गया, उसको वार्निंग दी गई तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में उसके पैर पे एक गोली लगी है। जब उसको पूछा गया उसका नाम, तो उसने अपना नाम खुद का विपिन बताया। उसका एक साथी ओम जो है वो मौके से फरार हो गया है। इस मुठभेड़ में एक पल्सर मोटरसाइकिल जो कि उसी रॉबरी केस के संबंधित है, और कुछ ATM कार्ड्स, घड़ियां, लगभग 1,25,000 रुपये, एक लैपटॉप और अन्य चीज़ें, एक तमंचा उसमें बरामद हुआ है। त्वरित जो है उस व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में प्राथमिक इलाज के लिए भेजा गया है। अन्य लोगों की पतारसी, सुरागसी अभी पुलिस द्वारा की जा रही है।